समस्या इस टाइम गुजरात के लोगों की है महंगाई। हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ती नहीं है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, घर का खर्चा चल नहीं रहा है, लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और उस महंगाई में भी सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है बिजली के रेट, इतनी महंगी होती जा रही है बिजली, इतनी महंगी होती जा रही है। तो लोगों ने कहा कि, जब लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि केजरीवाल जी आपने दिल्ली में सुना है बिजली फ्री कर दी और अब 1 जुलाई से पंजाब में भी बिजली फ्री हो गई है। अभी तो हमारी 10 मार्च को नतीजे आए थे पंजाब के, 16 मार्च को सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर पंजाब में भी बिजली फ्री हो गई है। लोग चाहते हैं कि गुजरात में भी होनी चाहिए। तो आज की पहली गारंटी हम बिजली के मुद्दे पे लेके आए हैं। ये गारंटी क्यों? क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि चुनाव के पहले आके कहती हैं हमारा मैनिफेस्टो है, कुछ लोग कहते हैं हमारा संकल्प पत्र है, लेकिन चुनाव के बाद कुछ कट्टे वर्जे नहीं है, वो उसके उठा के बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। फिर उनसे पूछो कि भाई आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले नहीं वो तो चुनावी जुमला था, हम चुनावी जुमला नहीं करते, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे जो अंदर है वही बाहर है, हम सच्चे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम लोग शरीफों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो इसलिए गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब अगर कहा जैसे माल की गारंटी मिलती है बाजार जब जाते हो, अगर माल की गारंटी, माल ठीक ना निकले तो पैसा वापस, अगर एक काम ना करें तो अगली बार वोट मत देना। तो गारंटी है इस बार की, अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे, जो जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी करेंगे, अगर गारंटी पूरी ना हो तो अगली बार वोट मत देना। तो पहली बिजली की गारंटी आज। बिजली की गारंटी में 3 चीजें और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की मिलती है। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी, पावर कट नहीं लगेंगे, पावर कट नहीं लगेंगे। मुझे पता चला है कि कुछ कुछ इलाकों के अंदर गुजरात में पावर कट लगते हैं, शहर में भी गांव में भी नो पावर कट। दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली आ गई, 24 घंटे फ्री बिजली, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। ये एक मैजिक है, 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना, ये एक मैजिक है और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता, किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता,
कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा 24 घंटे दूंगा, मत मानना, केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी, केवल मुझे आता है। तो अभी मैंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात के अंदर भी करके दिखाया। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत लोग आए गुजरात में, गुजरात में पंजाब में जाते थे, वहां भी आते थे लोग, अपने बिल लेके आते हैं। छोटा सा घर है, बिजली है, पंखा है, टीवी दो चार, और 50,000 का बिल आ गया, 70,000 का बिल आ गया, बिल गलत है। फिर वो जब ठीक कराने जाते हैं तो वहां पे जो बाबू बैठा होता है वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपए मुझे दे दो, मैं ये कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता है? झूठा बिल भेजते हैं, फिर बिल कम कराने के पैसे लेते हैं। तो हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। अगर ये पुराने जितने बिल हैं इनको अगर ठीक करना चालू कर दें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको ठीक करने के लिए, और कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो अगर मैंने आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी तब भी